वेलकम टू रेड टेक चैनल, अ न्यू वे टू लर्न। तो आज हम निमहंस में आई हुई रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये बेसिकली बेंगलुरु में स्थित है। नोटिफिकेशन नंबर है 2024-25 के लिए, एडवर्टीजमेंट नंबर 1, डेटेड है 16 जुलाई 2024। निमंस इनवाइट करता है वैकेंट पोस्ट के लिए, जो भी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में गिवन है, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म जो है इसमें गिवन है। जो इंडियन नेशनल है रेजाइडिंग इन इंडिया और जो अब्रॉड है, उन दोनों के लिए जो है ये बेसिकली वैकेंट पोस्ट है। यानी कि जो भी अब्रॉड में इंडियन नेशनल रहते हैं, उन वे भी अप्लाई कर सकते हैं। हमारा जो इंटरेस्ट ऑफ एरिया है वो हमारा है रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट, जो हमारी 19th नंबर पोस्ट है। इसमें हमारी जो टोटल पोस्ट है वो हमारी 8 पोस्ट है। ST की एक पोस्ट है, OBC की भी एक है और EWS की भी एक है, और जनरल की बात करें तो जनरल की 5 वैकेंसी इसमें अवेलेबल हैं। तो टोटल इसमें 8 पोस्ट अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट, जैसे कि मैंने बताया, 8 जो इसमें टोटल वैकेंसी हैं। क्वालिफिकेशन में BSc रेडियोग्राफी होना अनिवार्य है, 3 ईयर का कोर्स, और इक्वलेंट होना चाहिए कोर्स इसके इक्वल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से। एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 ईयर का मिनिमम जो है इसमें एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। अपर एज लिमिट जो है वो 30 ईयर रखी गई है। पे मैट्रिक्स की बात करें तो लेवल 6 का इसमें पे ग्रेड है, यानी कि जो बेसिक पे है वो आपकी 35,400 होगी। ये हमारी बेसिकली इनिशियल पे है, तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब जो भी टर्म्स एंड कंडीशन हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी के लिए अवेलेबल हैं, जो भी इसमें हैं। कैंडिडेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से, www.nimhans.ac.in की वेबसाइट पर जाके जो है कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फीस की बात करें तो ग्रुप बी पोस्ट के लिए है 1,180 रुपीज़, और इसमें जो है 18% GST जो है इंक्लूड है। पेमेंट की जो डिटेल्स है जो भी अवेलेबल वेबसाइट पे गिवन है, www.nimhans.ac.in पे जाकर आप देख सकते हैं। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप साइट से डाउनलोड करेंगे, और ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन को प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में सबमिट किया जाएगा। जो लास्ट डेट है वो है 17th अगस्त 2024, बिफोर 4:30 PM जो है आपको ये सबमिट करना है। ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसमें जो है एड्रेस गिवन है द डायरेक्टर निमंस, PV नंबर 2900 होसर रोड बंगलुरु 560029। तो ये सेपरेट जो अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से जो है आपको फॉर्म फिल करना होगा, और उसकी जो है एप्लीकेशन अलग होगी। जो भी कैंडिडेट जो है इन सर्विस में है उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि NOC देना अनिवार्य होगा, और जो भी आप एप्लीकेशन फिल करेंगे उसमें आपके साथ जो है सभी जो है डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे। आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मार्कशीट है, जो भी सेमेस्टर की मार्कशीट है, वो सब आपको अटैच करनी होगी, इंक्लूडिंग आपका जो है एक्सपीरियंस। एज रिलैक्सेशन जो है विल बी गिवन, जो भी ST SC OBC PWD या एक्स सर्विसमैन है, जो भी सिविल सर्वेंट, जो भी सेंट्रल जो गवर्नमेंट के लिए एप्लीकेबल होते हैं वही इसमें एप्लीकेबल होंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी और कैटेगरी वाइज जो है वो चेंज हो सकती हैं। लास्ट डेट जो है रिसिपेंट की, जैसे कि मैंने बताया, 17th अगस्त 2024 है। जो भी एज है वो कैलकुलेशन होगी लास्ट डेट के हिसाब से, यानी कि 17th अगस्त 2024 तक जो है आप उससे पहले जो है 30 ईयर होना अनिवार्य है। अब जो भी आपको पेमेंट है वो आपको www.nimhans.ac.in की वेबसाइट पर जाना है, SB कलेक्ट की उसमें जाना है, और ये आपको लिंक जो है कॉपी कर देना है। इसके बाद जो है आपका जो है पेमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये सब जो पेमेंट की डिटेल इसमें गिवन है तो आप ये देख सकते हैं। इसका जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। So I hope you clear out all the points. So that's all for this video. Do subscribe if you like, and thanks for watching. Jai Hind, Jai Bharat.